दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद ये तीन खिलाड़ी हो सकते हैं धोनी के उत्तराधिकारी, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार धोनी के रिटायरमेंट के बाद कौन कौन से खिलाड़ी इनकी जगह ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन बल्लेबाज विकेट कीपर मानते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी हर जानकारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बात करें तो यह एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ साथ बेहतरीन विकेट कीपर भी है। इसके अलावा इन्हीं के कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने 5 बार चैंपियन की ट्रॉफी भी उठाई है। हालांकि अभी यह 1 से 2 सीजन और खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग उनके रिप्लेसमेंट की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी। ऐसे में पहले उत्तराधिकारी को लेकर बात करें जो महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग की कमान संभालते हुए नजर आ सकते हैं, वह है ऋतुराज गायकवाड़। जहां पर अब ऋतुराज गायकवाड़ ने धीरे धीरे विकेट कीपिंग भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। आपको ये बता दें कि इन्होंने हाल ही के मैचों में हुए डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेट कीपिंग भी किए हैं। ऐसे में यह साफ दिख रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ तो अब कप्तान तो बन ही गए हैं। इसके अलावा अब वह विकेट कीपर और बल्लेबाज भी बनना चाहते हैं। वहीं अगर ऋतुराज गायकवाड़ की विकेट कीपिंग बेहतरीन हो जाती है तो यह भी महेंद्र सिंह धोनी की तरह विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरे खिलाड़ी को लेकर बात करें जो महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस कर सकते हैं, वह है ऋषभ पंत। ऐसे में तो हमेशा से ही ऋषभ पंत को महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराधिकारी माना गया है। हालांकि यह भारतीय टीम के लिए कई बार बेहतरीन प्रदर्शन भी किए हैं और CSK भी कई बार ट्राई कर चुकी है ऋषभ पंत को अपने टीम में शामिल करने के लिए। बात करें ऋषभ पंत के IPL प्रदर्शन को लेकर तो यह निचले क्रम में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, जैसा महेंद्र सिंह धोनी किया करते हैं। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग के पास एक बेहतरीन ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी के जगह पर ऋषभ पंत को टीम में शामिल करने के लिए। वहीं अब अगले खिलाड़ी को लेकर बात करें जो महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस कर सकते हैं, वह है ईशान किशन, जो कि यह भी एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ साथ बेहतरीन विकेट कीपर भी है। और ऐसे में यह भी एक बढ़िया ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट के पास, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद ईशान किशन को उनके रिप्लेसमेंट के तौर टीम में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में यह तीन खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद ये तीन खिलाड़ी इनकी जगह ले सकते हैं। ऐसे में आपके अनुसार इन तीन खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी को महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के बाद टीम में इनकी जगह शामिल करना चाहिए, आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसे ही CSK से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।